अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक हो? जो हमें सोशल मीडिया से कुछ फोटेज है, कुछ तस्वीरें जो मिली हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन ये वीडियो देखे फैसल जावेद की, और इसमें क्या कवाली, आय हाय हाय हाय, कवाली देखे और वो देखे, पूरा परफेक्ट बैठता है फैसल जावेद इसमें। अगर ये कवाली गाना स्टार्ट कर दे तो कई कमाएंगे। अभी तो समझो सीज़न शुरू हो रहा है उर्सों का, दरगाहों का सीज़न। फैसल साहब आप बैठ जाएं दरगाह पे, आपके पास पैसे बहुत हो जाएंगे। फैसल साहब मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत हो गई एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? आपने ये वीडियो देखा, अब हम आपके लिए बात करेंगे शेखू। शेखू ने सही कहा था, जब ताज़ा दूध कहीं पर भी मिल जाए तो घर पे क्यों हम भैंस पालें। शेखू बिल्कुल वेरी गुड, हमें भी तो एड्रेस बताओ, ताज़ा दूध कहाँ मिलता है? आपने शेखू का वीडियो देखा, मज़ा तो आया होगा, आपने इसमें कुछ चेक तो किया होगा। वैसे शेखू है। और ये वीडियो ये देखे आप, चौधरी साहब, ये वो कारतूस है जो अजायब घर पे रखा जाना चाहिए, मगर इसको कहाँ रखा और चलाया भी किसने? जरदारी ने। कैसे इस्तेमाल किया जरदारी ने ये कारतूस को? सब कह रहे थे जला हुआ कारतूस है, मगर जरदारी ने जला हुआ कारतूस भी चला लिया। अब ये वीडियो देखे आसमा भुट्टो साहिबा हैदराबाद में केले बांट रही हैं, केले। आप ये देखें, और अब्बा वह पंजाब में नोट बांट रहे हैं। उफ सलाम है, भुट्टो नवाजी में जिंदा है, पंजाब में भी जिंदा है, सिंध में भी जिंदा है, केले भी बांट रहे हैं, नोट भी बांट रहे हैं, मगर किसी ने देखा है भुट्टो को? अगर आपको मालूम हो इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। और ये तस्वीर देखिए आप, पंजाब पुलिस के एक लेडीज और एक आदमी को जो पकड़ के लेके गए, इनके पास लेडीज कांस्टेबल है ही नहीं, पुलिस है ही नहीं, मर्द को ही लेडीज बना दिया, अजाब बना के, और लेडीज यानी यूनिफॉर्म, लेडीज बन के और खड़े हुए तस्वीर खिंचवाने। ओ पैसे कहाँ जा रहे गवर्नमेंट के? लेडीज पुलिस नहीं है यार, कुछ तो ख्याल करो, लेडीज पुलिस तो रखो अल्लाह के वास्ते। और ये देखें खान साहब को, गोरे गोरे मुकड़े में काला काला चश्मे, और आस पास देखें अलीम खान, जहांगीर तरीन, इनको देखें, ये चले थे काला चश्मा पहन के निकले थे, इमरान खान चलते गए पीछे से दोनों गायब, इमरान खान चश्मा उतार के भी देख रहे, दोनों ने जो नज़र ही नहीं आ रहे, इमरान खान ने इन पर कितना भरोसा किया था। और ये देखें हमारे उस्मान डार साहब को, गरीदा मुर्गी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, गरीदा गरीदा बोल रहे हैं। अब उस्मान साहब अल्लाह अल्लाह करो, ये मुर्गी खाने के लिए होते हैं, तुम इसको उछाल उछाल के मुर्गी को तो, खुद तो तुम लोग अजियत में हो, मुर्गी को तो अजियत में ना डालो। और ये तस्वीर देखे खान साहब को रोते हुए, और बनाने वाले वाह क्या एडिट किया है, उफ खान साहब होता है, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त का मादा रखो, जरूरी नहीं है हार जीत होती रहती, आपने ही तो हमें बताया है गेम में तो हार जीत होता है, रोना किस बात का, आप तो अल्लाह तवक्कल हो ना, जाने तो अल्लाह देखेगा, रो मत। और ये देखें चौधरी साहब को, चौधरी शुजात साहब को, इसके बाद समझने की देखें, 25-30 साल हो गया, मीडिया वाले 20 साल पे वो नहीं समझ पाए, दूसरे क्या समझेंगे, इनके बराबर वाले इसके अपने घर वाले नहीं समझ पाए। ये जो मैं चल रहा करना सीखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं और मिसाल के साथ हम फिर ताजा करेंगे, कहाँ पर खड़ा होना।
क्या बोल रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। अब समझ में आया कि जरदारी इसके पास 5-5 घंटे क्यों बैठता था, समझने की कोशिश। क्योंकि मसला ये कि जरदारी को साथ कोई बंदा गया नहीं था इसके जो ट्रांसलेशन करे, चाइनीज जुबान में जरदारी को तो नहीं पता था। जरदारी वो टेप करके जाता था, फिर अगले को सुनाता था, बोलता था साहब इसने ये बोला, फिर जरदारी आते थे इसके बाद, फिर जरदारी को समझ में आया, जरदारी ने फिर मारा। और नादरीन अब ये जरदारी साहब की तस्वीरें देखें, वो एक बंदा ने नीचे लिखा है कि मेरी वाली का बाप नहीं मान रहा, जरदारी साहब चले जाओ उसके अब्बा को मना लो, आप मनाने में तो माहिर हो। हाँ ख्याल करना, थोड़ा पैसे लेके जाना, ज़्यादा नहीं, बाप को मनाने जा रहे हो, चौधरी को नहीं मनाने जा रहे हो, थोड़ा ख्याल से, अगर बच जाए तो इधर उधर हमारे तरफ भी भिजवा देना। हम ये कोशिश करते हैं कि आपके लिए नए से नई चीज़ लेके आए, अगर कोई गलती मलती हो तो हमसे माजरत, अल्लाह हाफिज़।